हे की हाल चाल लोडो, सब बढ़िया मस्त, आगे बढ़िया मस्त ना। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्या सीन है यार, आज तो आने वाला था कलेक्शन के ऊपर वीडियो, पर क्यों नहीं आया, एंड उसके रिलेटेड कमेंट्स भी आए थे। तो भाई आने वाला था, पर वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, उसको पोस्ट करने में काफी ज्यादा MB का जरूरत पड़ रहा है। तो आज की 1.5 GB खत्म हो चुका है। ये वीडियो पोस्ट करने के लिए मैं अपने दोस्त से MB लेकर कर रहा हूँ, प्लस एक 15 का रिचार्ज भी किया मैंने, और ज्यादा नहीं कर सकता। तो कल का वेट कर रहा हूँ, इसलिए कल का 1.5 GB मिलेगा फिर पोस्ट करेंगे। एंड कर सकते थे MB कम करके, पर कलेक्शन के ऊपर वीडियो होता तो सोचा रेजुलेशन को कम नहीं करते, क्योंकि रेजुलेशन कम करेंगे तो क्वालिटी कम हो जाता है, एंड क्वालिटी कम हो जाएगा तो अच्छे दिखेगा नहीं कॉस्ट्यूम वगैरह, तो मजा नहीं आएगा देखने में। इसलिए कल आएगा वीडियो, एंड टाइम भी कल वाले वीडियो में कमेंट मैंने बोला था कि कमेंट कर बता देना टाइम का क्या सीन। तो भाई एक कमेंट आया था टाइम रिलेटेड, 6 o'clock। तो भाई हाँ, कल 6 बजे लाइव पोस्ट करूंगा फुल कलेक्शन का रिव्यू। कल मिलता है कलेक्शन रिव्यू के साथ। एंड इसी के रिलेटेड 2 कमेंट्स थे, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड कुछ और कमेंट्स उनका रिप्लाई करूंगा, प्लस हमारे गेम का हेलो पिलाट्स का इवेंट देखने को मिल गया है, उसके रिलेटेड कमेंट्स आए कि भाई घर रहना सही नहीं गया ऐसा करके, जो भी है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। प्लस एक इवेंट हमारे गेम का था जो ओपन नहीं हो रहा सही से, उसका क्या सीन, उस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो हाँ, आज इवेंट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे हिसाब से आप सभी को याद ही होगा, मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं, तो हाँ कर देना, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 कमेंट्स हो गए थे, अब तीसरा कमेंट, अब FF गया, अब फ्री फायर को कोई नहीं बचा सकता। तो मैंने सीधा पूछा भाई से कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो भाई ने रिप्लाई किया जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ भाई, रिप्लाई में बोलते हैं ओल्ड बंडल्स रिटर्न के बाद FF का जो बच्चा कुचा क्रेज था वो खत्म हो जाए, एंड इसलिए बोलते हैं जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो सही है भाई, एकदम सही है, पर मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, एंड काफी बंदे एग्री करेंगे काफी बंदे एग्री नहीं करेंगे। और इस चीज को लेकर मैं सबसे पहले क्लियर कर दिया था आज से करीब 1 महीना पहले, जब हेलो पिलाट्स इवेंट को लेकर अपडेट आने शुरू होगी तभी मैंने बता दिया था कि भाई क्या हो सकता है, जो समझ रहे थे वो समझ गए थे। पर ठीक है यार, अभी इवेंट्स आ गए हमारे गेम के अंदर, तो अभी बंदे वही सोचेंगे, तो हाँ अभी क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं अगर इसी रिप्लाई को लेकर देखूं तो सबसे पहले बोल रहा है बच्चा कुछ क्रेज घट जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बच्चा कुछ क्रेज कैसे घट सकता है, जो क्रेज है वो क्रेज रहेगा ही। एंड जनरेशन है 2017 के बंदे, मेरे को शायद से बहुत कम बंदे जो 2017 से खेलना शुरू किए होंगे वो भी खेल रहे होंगे, पर जो अभी 2022 में इंस्टॉल कर रहे हैं वो तो खेलेंगे ही ना। एंड जो 2022 में आ रहे हैं उनको तो पुराने आइटम्स ही चाहिए, क्यों रियर है भाई वही चाहिए। तो गिरना अगर उनके लिए लेके आएगा तो वो कैसे क्रेज घटेगा, क्रेज तो बढ़ेगा ही ना ब्रो। एंड इससे तुम बोलो कि भाई ओल्ड बंदे चले जाएंगे, तो जाने दो यार, एक बंदा कितने दिन गेम खेल सकता है, तुम भी खेलोगे ज्यादा 22-23 साल तुम्हारा हिसाब से खेलोगे, फिर जॉब आगे तो भाई जानते ही उतना तो नहीं खेल रखते ना, तो वही सीन है। गिरना कंपनी है यार, वो अपना बिजनेस करेगा ही, कुछ नहीं कर सकते इसको लेकर हम। तो जिसको खेलना है जिसको लेना है वो खेलेगा वो लेगा, डायमंड है लगा रहा है। अभी तो फ्री फायर बैन का कितना सीन हुआ, फिर भी बंदे टॉप क्यों कर रहे हैं भाई, क्रेज है तभी तो कर रहे ना, इवेंट्स क्यों ऐसे आ रहे, कमाई हो रहा तभी तो गिरना इवेंट्स लेकर आ रहे ना, तो क्रेज तो है। एंड जो जैसा है उसको वैसे रहना देना चाहिए, तो भाई कैसे यार, साल बर साल बढ़ नहीं रहे हो क्या, छोटे के छोटे हो, मेरे को बताओ, सीधा बात है भाई, समय के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। एंड फ्री फायर ने ख्याल रखा है ओल्ड बंदों का, सीजन 1 सीजन 5 तक कि जिसके पास भी लाइट पास थे उनको दे रहा है उन्हीं का डिफरेंट कलर, इलाइट वर्जन बोल सकते हैं इसको, बस गोल्डन कलर का, जो मेरे को तो पसंद नहीं आया, पर हाँ दे रहा है जिससे पहचान बने रहे कि भाई हम पुराने हैं। एंड मेरे को मिल जाएगा 25 तारीख के दिन मेल बॉक्स में, मैं वीडियो रिव्यू शेयर करूंगा, क्योंकि भाई मैं तो पुराना हूँ, खुद के पैसे लगा के लाइट पास लिया था सीजन 5 का, तो सीजन 5 देखने को मिल जाएगा। एंड वो जो कलर्स वाले है ना इलाइट वर्जन के, वो कलर्स वाले बंडल कभी रिटर्न नहीं आएंगे, गिरना ने खुद क्लियर कर दिया है। तो ओल्ड बंदों का गिरना ख्याल रखता है, तो इससे मेरे को लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला फ्री फायर का क्रेज को लेकर। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इलाइट पास रिटर्न गया अब मैं नहीं खेलूंगा, तो ब्रो कोई दिक्कत नहीं है, मत खेलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तुम पे डिपेंड करता है। एंड सीधा बात, जिसको पसंद है जिसको खेलने का मन है, भले 1 घंटा खेले भले आधा घंटा खेले भले 1 गेम खेले वो खेलेगा, जिसको नहीं खेलना है नहीं खेलेगा, वो बस एक बहाना है। तो छोड़ो, इवेंट आया जिसको निकालना निकालो, कमेंट में बताओ किस किस ने निकाला, एंड कौन कौन निकालने के लिए डायमंड वगैरह इकट्ठा कर रहे हो। काफी पहले से मैंने अपडेट दिया था, मैं बोल भी दिया था कि भाई कम से कम 3-4 हजार डायमंड रखो, मेरे बोलने पर इकट्ठा कर रखे थे कम से कम 3-4 हजार, तो मेरे सबसे 1-2 बंडल ले ही लोगे। और कमेंट से बताओ कौन सा बंडल ले लिए एंड लेने का सोच रहे हो, जो भी हो कमेंट में जरूर बताना। एंड तीसरा के बाद 14 कमेंट, ब्रो 1 पंचमैन रिटर्न कब आएगा वीडियो प्लीज। तो ब्रो 1 पंचमैन रिटर्न को लेकर यार बहुत ज्यादा हाइप है, बहुत मतलब बहुत। तो इलाइट पास रिटर्न आ गया न्यू ईयर स्पेशल, एंड अब हमारा 1 पंचमैन बचा है, कुछ इनकुटर बचे हैं, धीरे धीरे आएंगे ब्रो, टाइम नहीं लगेगा, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग के 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा, टेंशन ना लो यार। मेरे को लगता है अपडेट तक कुछ ना कुछ अपडेट आ ही जाएंगे, क्योंकि एडवांस ओवर का रजिस्ट्रेशन चालू है, तो अब एडवांस ओवर आने से कुछ ना कुछ अपडेट आएंगे ही। वेट करो, अपडेट आएगा मैं तो शेयर कर ही दूंगा, पर अभी कुछ अपडेट नहीं है,
लेकिन हाँ इतना कंफर्म है 2023 में हमें देखने को मिल जाएंगे वन पंच मैन रिटर्न में। एंड नेक्स्ट कमेंट, एक एक इन्वर्टर कब बैक आएगा? तो ब्रो एक एक इन्वर्टर बैक बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अभी हमारे गेम के अंदर कुछ इन्वर्टर का डिफरेंट सीन चल रहा है, तो रिटर्न आ नहीं रहे, बस आना शुरू होगा ना रिटर्न एक बार इन्वर्टर, तो एक भी बहुत जल्दी आएगा। आप लोग बस वाउचर तो काम नहीं करते, डायमंड बचा के रखे रहो। एंड हाँ, अभी तो हेलो पिलर्स का इवेंट आया हुआ है तो मेरे हिसाब से डायमंड तो बचेंगे नहीं, पर टेंशन ना लो, अपडेट आते हैं रिटर्न आने से पहले, अभी तो टाइम लेंगे, पर हाँ रिटर्न आएंगे, आने से पहले अपडेट आएंगे, मैं तो हूँ शेयर कर ही दूंगा। तो ये हो गया कुछ कमेंट्स, एंड आप भी चाहते हो कमेंट को रिप्लाई करो वीडियो में, तो काफी ज्यादा बंदे कमेंट कर रहे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग भी करो यार, जो कमेंट नहीं करते हो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट्स को मैं वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा। एंड अब एक इवेंट हमें देखने को मिला हमारे इन गेम इवेंट के अंदर, जो ज्यादातर बंदों से ओपन ही नहीं हो रहा है क्योंकि आज हमारे गेम में है हेलो पिलर्स का इवेंट, एंड एक साथ दो दो बड़े इवेंट एक साथ कैसे रन होगा, मतलब एक ही दिन, तो शायद इसीलिए ये इवेंट बस शो कर रहा है, लेकिन कल से सही से चलने लगेगा। तो मेरे गेम में ओपन हुआ, मैंने ट्राई भी किया, इसका क्या सीन है मैं पहले समझा देता हूँ। ये जो इधर है ना, इधर आप लोगों को 10 आइटम सेलेक्ट करना है जो आपके पुराने आइटम्स हैं वो। अब आप इधर जो सेलेक्ट करके मेल्ट करोगे ना, तब जो आपके आइटम्स है ना आपके बोल्ट से घट जाएंगे, ठीक है? तो सोच समझ के इधर सेलेक्ट करके लगाना, क्योंकि जब हट जाएंगे ना फिर वो आपके दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, तो जो तुम यूज नहीं करते उन्हीं को लगाना इधर, एंड उसके बाद उधर से टोकन भी देखने को मिलेंगे, एंड उस टोकन से आप लोग इधर स्पेंड कर पाओगे, स्पेंड करके आप लोग देखने को मिल सकता है ये मेल कॉस्ट्यूम प्लस कुछ अच्छे खासे आइटम्स है। तो मेरे हिसाब से इवेंट्स को अच्छे से समझिए क्या से इन इवेंट्स का, कल से ये इवेंट अच्छे से चलने लग जाएगा, ट्राई करो। तो जो यूज नहीं करते जैसे शूज हो गए, पैरासूट्स हो गए, ये सबको लगा के उधर एक्सचेंज करके मेल्ट करके टोकन लेके इधर स्पेंड करके इधर का आइटम्स ले लेना, ठीक है? एंड आप लोग जानना चाहते हो अपकमिंग इवेंट्स के रिलेटेड, तो कल वाला वीडियो चेकआउट करना। अपकमिंग 10 से 15 दिन के बीच जितने हम इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं सारे इवेंट्स का मैं क्लियर अपडेट शेयर किया उस वीडियो में, तो हो सके तो वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, जितने अपडेट्स थे मैंने सारे शेयर कर ही दिए हैं, तो बस इतना हेल्प कर दो, मेरे सेकंड चैनल पे विजिट करो, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूँ लिंक, वीडियोस में उधर अपलोड कर रहा हूँ, मूवीज देखना पसंद करते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना सा सपोर्ट चाहिए, हो सके तो कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विजिट करो सेकंड चैनल पे।